सत्य सत्य तुम कहते हो सत्य रहे हो, सत्यम 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 का मतलब तुम्हारे पास ठीक है कुछ संशोधन के साथ में। जो टीका की भाषा है उसमें ननु का तात्पर्य होता है संदेह, नच का तात्पर्य है कि ऐसा भी नहीं है, अपिच का तात्पर्य है कुछ कह दिया कुछ और कहना है, उसके लिए अपिच शब्द का प्रयोग करेंगे। और सत्यम का मतलब है अर्ध स्वीकृति, आधी बात स्वीकार करेंगे, संशोधन के साथ में कोई बात स्वीकार की जाए तो सत्यम ठीक है, परंतु उसमें परंतु लगा करके फिर उसका कहीं संशोधन करेंगे। तो श्री शास्त्र कह रहे हैं कि सत्यम सत्यम ठीक है ठीक है, यथा बिना राजधानी जयनो तद देशा सुष्टु भशान भवंती, जैसे जब तक राजधानी को नहीं जीता जाए और दूसरे देशों को जीत लिया जाए, यदि सीमांत भूमि को जीत लिया जाए और राजधानी को नहीं जीता जाए तो सीमांत देशों को भी पक्का जीता हुआ नहीं कहा जाएगा। इसी तरह से जब तक युथेशा श्री राधिका उनका पराभव नहीं हो जाएगा तब तक ये गोपियां नहीं आएंगी। यहां पर ये लंका लंका युधेश है इनकी, तो लंका का जब तक पराजय नहीं होगा तब तक ये इनके पराजय के बिना कथ अमुका न भवंतु, ये गोप कारण तब तक अमुक माने बोलती ही रहेंगी, ये अमुका न भवंती, ये चुप नहीं मूक नहीं हो पाएंगे। ऐसा कहकर के श्री राधा सनातन कुंजम पश्चन, श्री श्याम सुंदर राधिका जिस कुंज में छिपी हुई थी उस कुंज को देखते हुए सनिर्वेदम पुनः अवदम, उसके को देख करके निर्वेद सहित कह रही हैं कि किम कर्तव्यम सकिल एतद् भयेनैव मत संधानम ना साधित वती, कि मैं श्री राधिका को पकड़ लूंगा उनको पराजित कर लूंगा, मालूम होता है वो श्री राधिका वो राधिका मेरे भाई के कारण मेरे पास में नहीं आ रही हैं। ऐसा कहकर के इति नशम्य द्रुत मुद्ग्रीव का अवलोकना संकुंचंती राधा कुंजे निविष्टा बहुव, ऐसा सुनकर के श्री राधिका ने कुछ झांक करके देखा आसपास और झांक करके फिर श्री प्रिया उस समय कुंज के भीतर छिप गए, कुंज में छिप गई, अभी तो कुंज में ही छिपी हुई थी पर थोड़ी सी बाहर आकर के, जब बाहर आकर मैंने कहीं झांक करके खिड़की में से ही जो अवकाश है कुंज का उन कुंज के अवकाश से ही झांक करके फिर वापस भीतर चली गई हैं। श्री कृष्ण कह रहे हैं ततो अहम, तब मैंने नानी मुखी से कहा कि ललतादी नाम तारुण्य धनात् अपि तस्य तारुण्य धनम प्रचुरतरम अमूल्यम अपि इति ज्ञायतम, कि श्री राधिका के ने ललता इत्यादि के तारुण्य धन की भी अपेक्षा श्री प्रधाना जो युथेश्वरी है युथेशा उनका तारुण्य धन प्रचुरतर मूल्य वाला है, अमूल्य अपि इति ज्ञायताम, यही कहना चाहिए वो तो अमूल्य है। श्री नानी मुखी जी बोली कैसे कि यदा आसान पावक संपुट द्वय परिणतम तस्यास्तु महामतंग कुंभतोपि निस्तले उन्नतत्वेन परिहारेण न प्रवीणतरे हृन मध्ये गोकुल प्रसिद्ध तस्करी भी एव मृगवत पंकार लेपेन वर्णांतरम आलोकित हेण वै कुंभयुग के परिपूर्णता, के आसान ताप के इन गोपिका गणों ने कोई अपूर्व यौवन धन छपा करके रखा है और उसको छपाने के लिए केवल इन्होंने जो महामतंग कुंभस्तोपी मतवाला जो हाथी उसकी कनपटी से भी परम सुंदर उत्तुंग
जो यौवन धन है उस यौवन धन को निस्तलत्वेन उन्नतत्वेन परिहारेण, वो निस्तल सपाट जो श्रीअंग उनके ऊपर उस महा रत्न धन को जब स्थापित किया गया तो उन्नत होने होने के कारण वह वस्त्र के द्वारा छुपाए सकने में समर्थ नहीं है, इसलिए इन्होंने गोकुल के प्रसिद्ध तस्कर के भय से, है कोई प्रसिद्ध तस्कर गोकुल के, उनके भय से उस महारत्न धन के कुंभ को छुपाने के लिए कि पहचाने में नहीं आए उसको मृदमद कंकाद लेपेनो, उसे कस्तूरी इत्यादि का लेप करके वर्णांतर प्राप्त करा दिया कि यह सोने का नहीं है, यह तो ऐसे ही नीला पीला सा ऐसा ही कोई है, ऐसा कहकर के उन्होंने अपने उन यौवन धन को अंचल के भीतर छिपाया और उसमें भी रंग बदल करके छिपा करके रख लिया है, अर्थात कुछ कुमकुम प्रवृत्ति से रंजित करके अपने उस महाधन को छिपा करके रखा है, परंतु वो हिरणमय महाधन स्वर्ण का महा वो धन विराजमान है। नानी मुखी जी कह रही है मोहन अति सुगुप्तम एतद् धनम, कि वो जो धन है वो तो परम सुगुप्त है, वो कहीं प्रकट नहीं होने वाला है, बोले जो वस्तु कितनी भी छिपाई जाए पर तो छिपाने पर भी वह कहीं ना कहीं प्रकट हो जाती है, उसका जो विस्तार है वो विस्तार कहीं ना कहीं प्रकट हो जाता है। अग्नि को कितना भी छिपा करके रखो परंतु अग्नि की तेज कहीं ना कहीं प्रकट हो जाएगा, अग्नि का ताप भी कहीं ना कहीं प्रकट हो जाएगा। और श्री श्याम सुंदर उस समय कहीं अपने दिव्य अनुभव का निरूपण करते हुए विराज निरूपण कर रहे हैं कि वो रत्न को कहीं भी धन को कितना भी छिपा करके रखा था परंतु रखने पर भी वह धन कहीं ना कहीं बाहर प्रकट हो ही गया है। जो ज्ञात अज्ञात अवस्था में कहीं ना कहीं हमारे द्वारा दर्शन किया ही गया है। उस समय श्री नानी मुखी जी तथा किंचित स्मृत्वा नानी मुखी प्रति राधा अनुचयी, ऐसा कहकर के श्री नंदी मुखी के पुत्र श्री राधिका ने उससे मैं कहा कि आई चपल ठीक है जाओ तो ठीक है, तो मैंने वो ज्ञात अज्ञात रूप में वो धन कहीं प्रकट हो ही गया है। तो तद धन समर्पण शुद्ध भावे मामे परचिष्य, तो ऐसे जब जिसमें वचन कहे उस समय किंचित स्मृत्वा नानी मुखी प्रति राधा अनुचित, श्री नानी मुखी के प्रति श्री राधिका उस समय कह रही हैं आई चपल ब्रह्मचारिणी अपे ही तू भी श्याम सुंदर के साथ में मिल गई है और तू भी श्याम सुंदर से मिलकर के और चंचलता उनकी चंचलता को बढ़ा रही है, दूर हट दूर हट। श्री विशाखा उस समय कह रही हैं अहो उद्दीय चल तुम अशक्यम अपे बिंबी मात्रे के भोजनो भूषितस्यो लोलुप शुकस्यो मनसि दुर्लभ मधुर द्राक्षा भक्षणं एतत्। बोले आहा उड़ करके चलने में अशक्य कोई लोभी शुक है, वो बिंबा फल का भोजन करके ही भूखा होने पर भी लोलुप शुक उस पूरे बिंबा फल को लेकर के उड़ सकने में तो असमर्थ है, तब वो अपने मन ही मन में दुर्लभ
मधुर द्राक्षा भक्षण एतत्। जैसे मन ही मन में कोई द्राक्षा भक्षण करे, कोई चीज प्राप्त नहीं हो रही है तो मन ही मन में उसकी अभिलाषा की जाए, मन मन के लड्डू खाए जाए। ऐसे ये श्री श्याम सुंदर हमारी सखी श्री राधिका, उनकी अपूर्व जो रूप संपत्ति है, उस रूप संपत्ति के आस्वादन करने के लिए मन के मोदक खा रहे हैं। जैसे बिंबाफल तो बहुत बड़ा है, उस बिंबाफल को चोंच में दबा करके कोई तोता भाग नहीं सके, तो वो वहीं बैठा बैठा ये सोचे कि मैं मधुर द्राक्षा फल खा रहा हूं। अब द्राक्षा उसको बिंबाफल खाने की तो उसको सामर्थ्य है नहीं, और वो कहीं अंगूर और अनार, उनको द्राक्षा फल अंगूर जो है उनको खाने के लिए जैसे प्रयास कर रहा हो, ऐसे ही दुर्लभ मधुर द्राक्षा फल उनको प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहा है। ऐसे मन ही मन में श्याम सुंदर कह रहे हैं, मैं इन गोपियों से अपने मोतियों के मूल्य के बदले मैं यदि नहीं देंगे तो मैं तो उनके पास में विराजमान रूप सौंदर्य रूपी जो महा धन है उसको बर्बस हरण कर लूंगा। ऐसी जो कामना कर रहे हैं ये तो केवल मन के मोदक खाना है, मन के लड्डू खाना है। महामंगल उस समय कह रहे हैं, हे मित्र, मद अभीष्ट पार्श्व तोषिकम देखी, मुझे मेरा इनाम दे दो। बोल क्यों? बोल ध्रुवम अधुनैव भवत राज्याभिष्णी अभिलाषणी राधांताम भवत करगताम विधास्ये। मुझे तुम इनाम दे देते हो, पारितोषिक दे सकते हो, तो अभी अभी आपके राज्य को चाहने वाली जो श्री राधिका है, उस इन तुम्हारे राज्य को हड़पने की इच्छा वाली राधिका को मैं तुम्हारे हाथ पर ला करके रख दूंगा। मुझे तुम ये सबसे पहले गोपियों से उत्कोच मांग रहा था कि मुझे उत्कोच दो, तो तुम्हारे मूल्य में मोतियों के मूल्य में तुम्हारी सहायता कर दूंगा। अब श्याम सुंदर से कह रहा है कि मुझे पारितोषिक दो, यह पारितोषिक दिया तो मैं श्री राधिका को तुम्हारे हाथ में रख दूंगा। अब पारितोषिक को पहले थोड़ी दिया जाता है, इनाम को तब दिया जाता है जब कोई कार्य कर ले, परंतु ये ऐसा है जो कह रहा है पारितोषिक पहले दे दो, फिर मैं ला करके श्री राधिका को तुम्हारे हाथ में रखूंगा, तो श्री राधिका को तुम्हारी कर्तन गता बना दूंगा। श्याम सुंदर, हाँ हाँ, साय मिष्टान भोजन दास से तुम्हें पारितोषिक के रूप में समझा को मिष्टान भोजन दूंगा। मखमंगल कह रहे हैं, अरे संध्या को तुम क्या दोगे, मैं तो यशोदा मैया से, यशोदा मैया मुझे नित्य देती है पारितोषिक, और उनका मैं बड़ा लाडला हूं, तो वो तो अपने आप ही मुझे पारितोषिक देती है। माथुर राज्य पार्श्व फूतकृत तद अश्वारूढ़ शतम आनी पृष्ठ देशे चंद्र रज्जा कपूर्ण द्वय बंधन पूर्वकम कशाभिस तत्पति भी अभिमन्यु तथा तारे तब्य यथा सैव ताम आनी ददाती तत सर्वे स्मयन्ति स्म। मधुमंगल कह रहे हैं कि राधिका को प्राप्त करने का एक तरीका मेरे पास में है। बोले क्या? बोले मथुरा के राज्य के पास, मथुरा माथुर राज्य पार्श्व फूत कृत्य उनके पास में शिकायत कर दो, कंस राज के पास में, सब उल्टी उल्टी बात कभी संभव ही नहीं है, कि कंस राज के पास में जाकर के तुम शिकायत कर दो। तद अश्वरूढ़ा नाम शतम आनियो, उस समय वे घोड़े जो हैं उन घोड़ों के ऊपर विराजमान होकर के चंद्र रज्जु से उनकी कोनी मत जो अभिमन्यु है उन अभिमन्यु को
कि कौन ही बात देंगे, मैंने अभिमन्यु की शिकायत राम कंस के पास में कर दे तो कंस उनको अपने घुड़सवारों के द्वारा बांध करके, उनकी कोनी बांध करके अभिमन्यु में जहां दो चांटे लगाएगा सो ही अभिमन्यु एकदम डर जाएगा और श्री राधिका को यहां पर ला करके समर्पित कर देगा। सो तुमको ये काम करना पड़ेगा कि राजा कंस के पास में जाकर के शिकायत कर दो कि गोपियों ने हमारे मोती खरीदे हैं और उनका मूल्य ले लिया है। राजा के पास में करोगे तो राजा गुस्सा होकर के अभिमन्यु को कहीं बंधन बनाएगा और वे मोती खरीदने वाली राधिका आदि गोपियों को तुम्हारे हाथ में ला करके तुमको दिलवा देंगे, माने तुम्हारा जो उधारी है उसको पूरी करवा देंगे। ऐसे तत्सर्वेस्मयन्तिस्मो, सभी गोपिकागण हंस रही हैं, श्याम सुंदर भी हंस रहे हैं, बोले बहुत अच्छी तूने उपाय बताया, ऐसा उपाय कोई करेगा क्या? कहीं ललता कह रही है कि विशाखे कम अपि महाभागम उद्देश्य यत् किंचित निवेदयामि तत् श्रुणु, कि आपके किसी महाभाग्य का ही उल्लेख करके, माने उस आपके भाग्य के कारण मैं कुछ निवेदन करना चाहती हूं, उसको आप सुनो। तो कमप महाभागम उद्देश्य, कोई महाभाग पुरुष है, नहीं कोई महाभाग पुरुष ही है, उनको उद्देश्य करके मैं, माने उनके आधार पर कुछ निवेदन करना चाह रही हूं। श्याम विशाखा बोली, बोले हां विशाखा कहो। उस समय किसी कदंब के वृक्ष के ओर देख करके ललता कहने लगी कि हे वृंदावन चर तपस्वी वर, त्वं ताव फलाहारी ख्याता ततः तत् स्वमर्यादा उल्लंघ्य भवद् योग्य परम दुर्लभ साध्वी हृदय हृदयंगम महाधने लालसा उद्वहन कथम कलुषितो भवन असि। बोले हे वृंदावन के तपस्वी वर, तुम तो फलाहारी हो, प्रसिद्ध हो, उस अपनी मर्यादा को छोड़ करके परम दुर्लभ साध्वी जनों के हृदयंगम जो महाधन है, उस महाधन में अरे कदम तुम क्यों लालची हो रहे हो, अर्थात कोई महाधन को प्राप्त करने के लिए तुम क्यों लालची हो रहे हो। तो हे वृंदावन के तपस्वी वृक्ष कदम वृक्ष, तुम फलाहारी होकर के प्रसिद्ध हो, अपनी मर्यादा का उल्लंघन करके, माने फलाहार का त्याग करके, भवत अयोग्यम ये परम आपके लिए जो अयोग्य दुर्लभ साध्वी, उन साध्वी गणों के महाधन की लालसा को क्यों धारण कर रहे हो और क्यों मेला होना चाहते हो। विशाखा जी बोली भुभुक्षितो यं तपस्वी, ये सब अन्योक्ति में प्रयोग, ये समासोक्ति में प्रयोग है, श्याम सुंदर को लक्ष्य करके कहा जा रहा है ये कि अरे श्याम सुंदर, तुम तो अपने आप को ब्रह्मचारी करके बड़ा सिद्ध करना चाहते हो, गोपाल तापनी में कहा गया कृष्णो ब्रह्मचारी, तो तुम अपने आप को ब्रह्मचारी करके सिद्ध करना चाहते हो, परंतु तुम दुर्लभ साध्वी गणों के हृदयंगम महाधन जो श्री राधिका प्रभृति साध्वी गण है, उनके परम धन को प्राप्त करने के लिए, रूप रूपी हृदयंगम धन को प्राप्त करने के लिए तुम क्यों हृदयंगम में श्लेष अलंकार है, माने उनके हृदय के धन को, अथवा जहां कोई दिव्य
रसद कुंज है, उस रसद कुंज को प्राप्त करने के लिए तुम क्यों उन्नत लालसा युक्त होकर के अपने तप का त्याग करना चाहते हो। ये श्याम सुंदर की मजाक उड़ाई जा रही है, हंसी उड़ाई जा रही है कि जब तुम ब्रह्मचारी वर हो तो श्री प्रियाओं के हृदयंगम फल को प्राप्त करने के लिए, हृदय पर विराजमान जो फल हैं उन फल को प्राप्त करने के लिए क्यों व्याकुल हो रहे हो। उस समय विशाखा जी हंस रही हैं, ये भी अन्योक्ति में वचन कह रही हैं, वो ललते ये तपस्वी भूखा है इसलिए फलम अनालभ्य एतद योग्यम अयोग्यम अपि कर्तुं प्रवृत्तोऽस्ति, इसको फल मिले नहीं है इसलिए ये अयोग्य जो कार्य है उनको भी करने में प्रवृत्त हो रहा है। तब उत्तम फलम अस्मै समुद्दिश्यताम, तब धर्म वृद्धि भविष्यति, इनको कोई उत्तम फल प्रदान करो तेरा भी धर्म बढ़ेगा तुझे भी पुण्य लगेगा, इनको कोई दूसरा उत्तम फल पर बता दो। विशाखा जी कह रही हैं कि सर्वत्र भ्रमणशीलोयम अति प्रसिद्धांताम कथम न जानाति, विशाखे कथम असो मानसचान भी न जानाति, वो ये मानसी गंगा को नहीं जानते हैं क्या, मानसी गंगा में चले जाए वहां पर इनको सुंदर फल की प्राप्ति हो जाएगी, मन चंद्रावन जी की प्राप्ति हो जाएगी, ये कहने का तात्पर्य है। मानसी गंगा को ये नहीं जानते हैं क्या, बोल श्याम सुंदर तो सर्वत्र भ्रमण करते हैं क्यों नहीं जानेंगे। तो कह रहे हैं तद बाय तीरे सर्वतला कापे पद्मा स्फुटम एका बल्लरी वर्तते, श्री मानसी गंगा के वायव्य तीर्थ में एक परम चंचल पद्मा नाम करके एक लता है, तस्या मध्य भागे वो पद्मा नाम करके जो लता है उस पद्मा लता के पास में मनोहर अह्रस्व तुम्बी फल द्वय विराजमान है, उस पद्मा लता के ऊपर चढ़े हुए तुम्बी फलों का ये आस्वादन करें और अक्षीयं अकटु बिंबी फल योगम अस्ति, और उनके पास में फिर वहां पर एक अकटु माने मीठे बिंबी फल भी हैं वो भी इनको प्राप्त हो जाएंगे, तो इनको द्राक्षा रस तो नहीं मिलेगा परंतु बिंबी फल बिंब के फलों को खा करके ये अपनी भूख मिटा सकते हैं। तो हमने ये उपाय बता दिया, यदि ये तोता ज्यादा भूखा है तो ये उड़ करके कहीं चला जाए और वहां मानसी गंगा के पास में जो वायव्य तीर्थ पर जो एक लता है पद्मा नाम करके एक लता है वो पद्मा लता उसके तुम्बी फल और बिंबी फल इन दोनों का आस्वादन करके ये अपनी भूख मिटा सकता है। यहां पर हम गोपियों में तो कोई भी इनको कोई कुछ प्रदान करने वाली है नहीं, माने इनकी जो ये तोता यदि शुक भूखा है तो इनको इनकी अभिलषित कोई वस्तु प्रदान करने वाली नहीं है, ऐसा जिससे मैं कहा श्री विशाखा जी बोली कि हे गोस्वामी त्वरितम एव तत्र गत्वा, जाइए जाइए बहुत बढ़िया बात ये ललता ने बता दी है, यदि आपको कहीं आवश्यकता ही है भूखी ज्यादा लग रही है तो आप जल्दी से वहां जाओ, वहां श्री पद्मा जी उनकी कृपा को प्राप्त करो। तो त्वरितम एव तत्र गत्वा त्वद् योग्य तदनुत्तम फलों को भोगेनो, उत्तम जो फल हैं उनका तुम उपभोग करते हुए विराजमान हो, साध्वी धन लोभम अपहायो, हम साध्वी गणों के धन लोभ को तुम छोड़ दो और अपने धर्म का
पालन करते हुए आप परम सुखी हो जाओ, हम साध्वीगण उनका उनका धन आपको मिलने वाला नहीं है, वो पद्मा जो है वो पद्मा तुमको फल प्रदान करेगी, बिंबी फल जो है उनको प्रदान करती हुई, बिंबी फल माने अधराम, उन अधराम उसको प्रदान करके तुम्हारी तृष्णा को दूर करेगी। ऐसे सब जब हंसी कर रही हैं, ये अन्योक्ति में कहे गए जो वचन है, उन अन्योक्ति में कहे गए वचन, श्याम चंद्र को बना दिया तोता, पद्मा जी को बना दिया एक लता, और उस पद्मा के ऊपर चढ़ी हुई जो तूमी की लता है, उस तूमी की लता अर्थात अधराम उनको ही कहीं तूमी की लता और जो सुंदर अधरामृत है, उन अधरामृत बिंबी फल, उन अकट बिंबी फलों का तुम पान करो। ऐसे जिस समय कहा सब हंस रही हैं और कह रही हैं ललते तपस्या साव याचित वृत्ति ही करपात्र भक्षणे निषिद्धा, तुम भी फलम नोपभुंते किंतु अत्रैव निज प्रद्योत भारेण दृश्यमानम अपि न दृश्यते, कि तपस्वी असौ, ये जो तपस्वी है वो तो अयाचित वृत्ति वाला है और ये करपात्र भक्षण ये करपात्र हाथ के पात्र मात्र में ही भोजन करने वाला करपात्री होकर के विराजमान है। निषिद्धं तुम भी फलम नोपभोक्तुम, ये निषिद्ध तुम भी फल जो है उनको कैसे भोजन करेगा, इसलिए किंतु अत्रैव निर्भर निज प्रद्योत भरेणो दृश्यमानां अपि न दृश्यते, और यहां पर ये सुंदर जो उपभोग है उनको भी प्राप्त कर नहीं कर पा रहा, यहां पर कोई सामग्री इनकी है नहीं, तस्या कांचन वल्ल्या, ऐसी कोई स्वर्ण लता जो है उसके मधुर रस में श्रीफल द्वय उनका ही आस्वादन करना ये चाह रहा है, अतः सैव आगत्य प्रणय पूर्वकम मधुर वचने एवं निमंत्रस्य अस्य करे यदि परमेशयति तदा उपभोगेन सुखी भवन असौ तथा शिष्यति यथा तत् फलोन्नति महति स्यात्। ये उन यहां ही वो पद्मा आकर के उनको मधुर फल का आस्वादन प्राप्त करा देगी। बोला अत्रैव निर्ध्यान निज प्रद्योत भरेण, अपनी शोभा जो है उस शोभा के द्वारा दृश्यमाना भी न दृश्यते, अलक्षित रूप में वो विराजमान है, कोई दिव्य लता उस दिव्य लता के मधुर फल को प्राप्त करने के लिए ये उत्सुक है, इसलिए श्री सैव आगत्य प्रणय पूर्वक मधुर वचने मधुर वचन के द्वारा वो इनको कभी भोजन कराएंगे। ये सुन करके श्री राधे का अनुच्चय धीरे से कह रही हैं कि नर्म लपटो यम धूलता, श्याम सुंदर बड़े चंचल हैं, जान गए हैं कि मैं यहां पर छिपी हुई हूं, मत अवस्थितिम अवधारियो, मेरी अवस्थिति इनको पहचान गए हैं और मुझे कदर्थना करने के लिए ये वचन भंगी विस्तृत कर रहे हैं, इसलिए अब मुझे यहां नहीं रहना चाहिए, मुझे यहां से निकल करके कहीं दूसरी जगह चले जाना चाहिए। शिवप्रिया जी ने अपने मन ही मन में ये कहा, प्रसंग था कि श्याम सुंदर
को पद्मा के पास में भेजा है, परंतु पद्मा के पास में इनको सुख होगा नहीं, ये तो उत्सुक हैं यहाँ ही कोई स्वर्ण बल्ली जो है उसके मधुर रस का आस्वादन करने के लिए। अब ऐसे जब कहा तो श्री प्रिया जी कहीं मन ही मन में भयभीत हो रही हैं कि चंचल मेरे पास में नहीं आ जाए। तो श्री स्वामी जी ने कहा कि अब यहाँ से मुझे हट जाना चाहिए, ऐसा कहकर के इतने मनस भावित्वा भावयंत्याम तस्याम। उस समय श्री राधिका मन में जो सोच रही हैं उसको सोचने पर पुनर्मयोक्तम श्याम सुंदर दोबारा कह रहे हैं, सखी ललते वृंदावनचारी महाविनोदो क्षुण युधेश्वा त्वाम राज्य पत्नी विधाय त्वया सह एक सिंहासने उपविश्य विशाखा प्रवृत्ति वृंदावनचारिणाम लास विलासम आलोकयितुम अभिलसति तद आज्ञाप्यताम एता नृत्यन्त के इति मनस भाव्यंता कस्या। श्री राधा जब मन में ऐसा विचार कर रही थी कि मुझे यहाँ से कहीं चले जाना चाहिए, उस समय श्री श्याम सुंदर कह रहे हैं कि प्रिय सखी ललते श्री वृंदावनचारी महाविनोदो क्षुण युथेश्वर, श्री वृंदावन में विचरण करने वाली महाविनोद और अक्षुण्य महाविनोद करने वाली युथेशा तो पट राज्ञी श्री राधिका तुम्हारी पटरानी है और उन्होंने युथेशाम त्वाम पट राज्ञी विधाय उन्होंने तुमको ही अवपट्ट रानी बना दिया है। तो ऐसा है एक सिंहासन उपविश्य और वे तुम्हारे साथ में एक सिंहासन के ऊपर विराजमान होकर के विशाखा आदि के साथ में लास्य विलास का अवलोकन करना चाहती हैं। तदा आज्ञाप्यता नेता नृत्यंत अब तुम आदेश प्रदान करो कि ये सखीगण नृत्य करें। ललिता जी क्रोध होती कर कहती हैं कि नांदी अस्मिन् मुक्ता केदार का कर परवर्तने किमस्ति विदुकस्य नर्म धर्म एव दापयितुं वयमत्र व्याघोत्य आनीतास्मि आनीतास्मः। बोले अरे नांदी मुखी संभाल ले अपने इस मित्र को, हमको मुक्ता केदार का में मोती की जो खेती है उसमें परिवर्तन ये मुक्ता केदार का उनमें कर के परिवर्तन के रूप में हमारे हम जो कर इनसे ले